हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। आज जिस शहर के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, उसे नॉर्थ अमेरिका का चौथा सबसे बड़ा शहर माना जाता है और साथ ही ये दुनिया के सबसे रंगीन शहर भी है। इस शहर में रहने वाले 60% लोग बाहर के देशों के हैं। यहाँ रहने वाले लोगों में सबसे ज्यादा भारत देश के लोग हैं और पंजाबी यहाँ की दूसरी मेन भाषा है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी गगनचुंबी इमारत भी इसी शहर में है, जबकि वर्ल्ड का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी इसी शहर में है। इस शहर में एक गली ऐसी है जिसकी लंबाई है 1896 किलोमीटर। दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल भी इसी शहर में आयोजित होता है। आपको अगर स्पोर्ट्स का शौक है तो ये शहर आपके लिए जन्नत है। और इसी शहर में है कनाडा की सबसे बड़ी चिड़ियाघर। ये शहर इतना शानदार है कि बहुत से लोगों ने लाइफ में एक बार इस देश में सेटल होने का सपना जरूर देखा होगा। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कनाडा की सबसे खूबसूरत शहर टोरंटो की। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं टोरंटो के एक शानदार सफर पर। दोस्तों, कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है और एरिया के लिहाज से ये नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। कनाडा का एक खूबसूरत शहर है टोरंटो। ऑन्टेरियो राज्य का राजधानी कहा जाने वाला ये शहर कनाडा का सबसे बड़ा और सबसे पॉपुलर शहर माना जाता है। टोरंटो नॉर्थ अमेरिका का चौथा सबसे बड़ा शहर है और यहाँ की कुल आबादी है लगभग 62 लाख के आसपास। भले ही टोरंटो कनाडा का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है, लेकिन टोरंटो में रहने वाले लगभग 50% लोग बाहर देशों के रहने वाले हैं। इस शहर में हर साल बाहर से काफी लोग आते हैं और यही शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ आने वाले लोगों में सबसे ज्यादा भारत से आते हैं और इन लोगों में सबसे ज्यादा पंजाबी होते हैं। टोरंटो में पंजाबियों की संख्या इतनी ज्यादा है कि पंजाबी भाषा को कनाडा में एक सरकारी भाषा का दर्जा दिया गया है। बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस सनी लियोनी कनाडा की रहने वाली है। कनाडा का ज्यादातर एरिया पाजियों से भरी पड़ी है, तभी तो पूरे कनाडा के लोग को मिनी पंजाब भी कहते हैं। टोरंटो शहर की गिनती दुनिया के सबसे डेवलप्ड शहरों में की जाती है। मोस्ट बिजनेस कॉम्पिटिटिव ग्लोबल सिटी के मामले में टोरंटो दूसरे स्थान पर है। आर्थिक रूप से भी ये शहर काफी मजबूत है और आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा ताकतवर होने के मामले में टोरंटो की गिनती दुनिया के 12वें शहर के तौर पर की जाती है। इतना ही नहीं, टोरंटो पूरे उत्तरी अमेरिका का सबसे सुरक्षित शहर माना जाता है और यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरे उत्तरी अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट माना जाता है। इस जगह की यही खासियत है कि टोरंटो शहर को लोग बिना किसी डर के घूम सकते हैं और इसी वजह से टोरंटो में काफी सैलानी आते हैं। वैसे तो टोरंटो में काफी कुछ है और इस शहर को सबसे अलग बनाता है, लेकिन जब बात यहाँ के सीएन टावर की होती है तो फिर सब पीछे रह जाता है। सीएन टावर टोरंटो की सबसे बड़ी पहचान है। ये टोरंटो की लैंडमार्क है। 553 मीटर ऊंचे इस इमारत में ग्लास फ्लोर और एज वॉक का रोमांचक एक्सपीरियंस लिया जा सकता है। सीएन टावर को एज वॉक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें आपको एक केबल से जोड़ दिया जाता है और फिर आप इस टावर की ऊंचाई पर किनारे किनारे चल सकते हैं। टोरंटो आने वाले लोग इस टावर का मजा लीजिए, बना यहाँ से वापस नहीं जाते। 2007 तक सीएन टावर दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी। ये रिकॉर्ड इस टावर के नाम 32 सालों तक रहा, लेकिन 2008 के बाद ये रिकॉर्ड दुबई के बुर्ज खलीफा के नाम हो गया। आपको बता दें कि इस टावर के अंदर 350 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स हैं, जहां आपको हर तरह का खाना मिलेगा। इस शहर को दुनिया के सबसे साफ सुथरे शहरों में गिना जाता है। इसका एक कारण ये भी है कि टोरंटो में 250 से भी रास्ते ऐसे रास्ते मौजूद हैं जो सरकारी ना होकर प्राइवेट हैं और इन रास्तों की देखभाल यहाँ के पब्लिक द्वारा किया जाता है। अब अगर लोग खुद इन रास्तों की देखभाल करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये जगह साफ साफ रहेगी। अब जब टोरंटो के रास्तों की बात हो रही है तो पूछ ही लेते हैं कि दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे बड़े स्ट्रीट कौन से देश में है? वो है टोरंटो शहर ही, जहाँ दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रीट है। इस स्ट्रीट को योंगे स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है और ये गली 1896 किलोमीटर लंबी है। जितनी लंबी ये गली है, उतनी लंबी तो कुछ देशों की सड़कें भी नहीं है। इस गली में हमेशा रौनक लगी रहती है। यहाँ खाने की दुकानों से लेकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सब कुछ देखने को मिलता है, तभी इसे दुनिया की सबसे लंबी स्ट्रीट का खिताब मिला है। टोरंटो का इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की लिस्ट में शामिल है। इस एयरपोर्ट पर 5 लाख उड़ानों ने करीब 50 मिलियन यात्रियों को लेकर उड़ान भरी थी, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि कोई रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं था। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में यहां से फ्लाइट्स दुनिया भर के 200 अलग अलग शहरों में गई थी। दोस्तों, टोरंटो के चिड़ियाघर में मौजूद पांडा काफी पॉपुलर है, लेकिन यहां रहने वाले पांडा के बारे में एक बात ऐसी भी है जिसके बारे में आपने शायद ही पहले कभी सुना होगा। दरअसल टोरंटो के चिड़ियाघर में चाइना से 2 पांडा लाए गए थे, जिसका किराया सालाना 7 करोड़ से भी ज्यादा है। इन पांडा को द जायंट पांडा बुलाया जाता है।
जाता है। कनाडा और चीन के बीच 10 साल के समझौते के बाद ये पांडा टोरंटो लाए गए थे। ये पांडा इसलिए भी खास है क्योंकि ये पांडा एक दिन में 40 किलो बैम्बू खा जाते हैं। इसके अलावा यहाँ लाल रंग का भी पांडा मिलता है जो देखने में लोमड़े के बच्चे जैसे लगते हैं। टोरंटो के चिड़ियाघर को कनाडा का सबसे बड़ा चिड़ियाघर माना जाता है। यहाँ के चिड़ियाघर में 1,06,000 जानवरों को रखा गया है। जानवरों से प्यार करने वाले लोगों के लिए टोरंटो सबसे बेस्ट जगह मानी जाती है। कनाडा के इस शहर को स्पोर्ट्स से कुछ ज्यादा ही लगाव है। यही वजह है कि कनाडा के सभी शहरों में टोरंटो सबसे ज्यादा एथलेटिक है। टोरंटो एकमात्र ऐसा कैनेडियन शहर है जो 7 प्रमुख खेल लीगों में भाग लेता है, जिनमें मेजर लीग बेसबॉल, नेशनल हॉकी लीग, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, कैनेडियन फुटबॉल लीग, नेशनल लैक्रोसी लीग, मेजर लीग सूकर एंड अमेरिकन हॉकी लीग शामिल है। टोरंटो कनाडा का सबसे बड़ा शहर है और दुनिया के सबसे मल्टीकल्चरल शहरों में से एक। कई देशों से लोग यहां आकर बसे हैं, जिस वजह से टोरंटो का कल्चर मिला जुला है। कैरिबाना टोरंटो की सबसे प्रसिद्ध परंपराओं में से एक है और इसमें 2 मिलियन से ज्यादा लोग हिस्सा लेते हैं। कैरिबाना का आयोजन हर हफ्ते किया जाता है। ये एक कल्चरल इवेंट है जिसका मकसद कैरेबियन संस्कृति और परंपराओं का जश्न मनाना है। अगर आपको खाने का शौक है तो टोरंटो से बढ़िया जगह आपके लिए कोई और हो ही नहीं सकती। यहाँ आपको अमेरिकन और इंडियन फूड दोनों मिलेगा। यहाँ 8,000 से ज्यादा खाने के रेस्टोरेंट्स हैं। पिमिल बेकन सैंडविच, ईस्ट इंडियन रोटियां, टोरंटो शैली पिज्जा, सुशी पिज्जा यहाँ की पॉपुलर डिशेज हैं। इसके अलावा टोरंटो में पंजाबी खाना आपको हर जगह मिलेगा। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड शॉपिंग मॉल पाथ है। ये मॉल 30 किलोमीटर तक के दायरे में फैला हुआ है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार ये दुनिया का सबसे लंबा अंडरग्राउंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स में 1200 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स हैं और शॉपिंग शॉप्स हैं। ये मॉल टोरंटो की 70 बिल्डिंग्स को एक साथ जोड़ता है। दोस्तों, अगर आप टोरंटो जाए तो पाथ जाना बिल्कुल ना भूले। इस शहर की बात ही कुछ और है। टूरिस्ट के अलावा ये शहर फिल्म इंडस्ट्री को भी काफी पसंद आता है। पूरे नॉर्थ अमेरिका में टोरंटो तीसरा सबसे बड़ा टेलीविजन और फिल्म प्रोडक्शन का मुख्य केंद्र है और न्यूयॉर्क और लंदन के बाद दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा अंग्रेजी भाषा की थिएटर का डिस्ट्रिक्ट है। साथ ही दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्म फेस्टिवल का आयोजन भी इसी शहर में होता है। टोरंटो का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है। टोरंटो फिल्म फेस्टिवल को दुनिया के सबसे बड़े इवेंट के तौर पर जाना जाता है। इतना ही नहीं, ये शहर डॉग्स कैनेडियन इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री फेस्टिवल का भी घर है, जो नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट्री फेस्टिवल है। अगर आपको टोरंटो की स्नोफॉल का मजा लेना है तो दिसंबर से अप्रैल महीने के बीच में ही जाए। टोरंटो का सबसे बढ़िया मौसम है सर्दी। इसी दौरान यहाँ सबसे ज्यादा टूरिस्ट घूमने आते हैं, क्योंकि सर्दी के मौसम में टोरंटो सबसे खूबसूरत लगता है। हालांकि यहाँ साल के 7 महीने ठंड का मौसम ही बना रहता है। कनाडा में दिसंबर से लेकर अप्रैल तक जो बर्फ पड़ती है और आगे पीछे के बाकी महीने भी बहुत ठंडे होते हैं। जब कोई इंडियन वहां रहने जाते हैं तो उसे एक सीजन तो जरूर परेशानी होती है, फिर अपने रहन सहन को बदल कर उस ठंड को सहने लायक बना देते हैं। लेकिन इतनी सर्दी सहने के बाद जब वे लोग वापस इंडिया आते हैं तो यहाँ की सर्दी उन लोगों को बहुत सताती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कनाडा के घर ऐसे ही बने होते हैं, लेकिन भारत में कुछ भी ऐसा नहीं होता। कारों में हीटर्स चलाने की आदत नहीं है और सेंट्रली हीटेड भी नहीं होते। ठंड ज्यादा हो तो हीटर कमरों में रख दिए जाते हैं। घरों और बाजारों के सिस्टम ऐसे हैं जहां आपको ठंड में निकलना पड़ता ही है। टोरंटो में सर्दी का मौसम पूरी दुनिया में चर्चा का कारण बना रहता है। एक बार तो यहां इतनी बर्फ पड़ गई थी कि लोग ये शहर छोड़ने पर ही मजबूर हो गए थे। आमतौर से 0 डिग्री सेंटीग्रेड में पानी बर्फ बन जाता है, लेकिन 1943 में टोरंटो का तापमान -31 डिग्री तक नीचे चला गया था और उस दौरान ये शहर एक डरावनी परिस्थिति का शिकार हुआ। टोरंटो को इसलिए भी खूबसूरत माना जाता है क्योंकि ये शहर हरियाली से भरपूर शहर है। यहाँ चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। इस शहर का 25% इलाका जंगल और 18% इलाका पेड़ों से घिरा हुआ है और यहाँ 10 मिलियन से भी ज्यादा पेड़ हैं। यहाँ कई नेशनल पार्क्स भी हैं जिन्हें देखने लोग पूरे देशों से आते हैं। टोरंटो को टूरिस्ट की पहली पसंद माना जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि घूमने के लिए टोरंटो में कुल 50 से भी ज्यादा रोमांटिक जगह मौजूद है। यही कारण है कि हर साल यहाँ करोड़ों लोग घूमने आते हैं। अगर आप भी टोरंटो शहर घूमने के बारे में सोच रहे हैं तो पहले यहाँ के कुछ ऐसे नियमों के बारे में जान ले जिन्हें फॉलो करना आपके लिए बेहद जरूरी रहेगा। जैसे कि दोस्तों, टोरंटो में कहीं भी स्विमिंग करना मना है, लेकिन यहाँ कुछ ही जगह ऐसी है जहाँ लोगों को तैरने की अनुमति है। इन जगहों के अलावा कहीं और तैरना गैर कानूनी माना जाता है। यहाँ एक घर में 3 से ज्यादा कुत्ते पालने पर भी पाबंदी लगाई गई है और टोरंटो के पार्क्स में लाउडस्पीकर नहीं बजा सकते और यहाँ पार्क्स में गाली देना मना है। सबसे बड़ी बात, इस शहर की लोकल रोड्स पर स्पीड लिमिट 40 किलोमीटर प्रति घंटे की है। तो दोस्तों, यहाँ के लोकल रोड्स पर अपनी कार की स्पीड का हमेशा ध्यान रखिएगा। हर साल करीब 21 मिलियन लोग टोरंटो घूमने आते हैं।
इस शहर के टूरिज्म सेक्टर में 1.25 लाख से ज्यादा लोग आज भी काम कर रहे हैं। टोरंटो के लिए ब्राजील, भारत, चीन और दक्षिण कोरिया हर सेक्टर में सबसे बड़े बिजनेस पार्टनर है। यही वजह है कि सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है टोरंटो। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको टोरंटो के बारे में जानकर काफी मजा आ गया होगा। टोरंटो घूमने के लिए काफी मजेदार जगह है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि क्या है टोरंटो का वीजा प्रोसेस और इस देश में घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इसके लिए आपको कनाडा का वीजा लेना होगा और अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद है तो आपको वीजा 3 से 4 हफ्तों के अंदर मिल जाएगा। अगर आप टूरिस्ट वीजा पर इस देश की यात्रा करते हैं तो इसकी वैलिडिटी होती है 30 दिन, और अगर आप अकेले हैं तो आपको टोरंटो घूमने के लिए 7 से 8 दिन में लगभग 1,15,000 रुपए खर्च करने होंगे। दोस्तों, कनाडा की करेंसी है दी कैनेडियन डॉलर, जिसकी वैल्यू लगभग 58.41 भारतीय रुपए के बराबर है। तो ये था कनाडा की सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा शहर टोरंटो। कैसा लगा बताइए हमें कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट किए इस शहर की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर करें। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।